चलना है, वेरी गुड। तो अभी इस कार्यक्रम की बागडोर मैं श्री महेश जी के हाथ में देना चाहूंगा। इसके आगे वो पूरा सत्र सूत्र संचालन करेंगे और फिर से एक बार टाइम लिमिट्स आप अपना ध्यान दे रखिए। थैंक यू। धन्यवाद संजय जी और धन्यवाद दर्शकों। मैं सबसे पहले तो जो है अपने सोपन भाई के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। आपने अभी सबका परिचय कराया है, तो सोपन भाई का जो विवाह हुआ था पल्लवी जी से, पल्लवी जी का शादी के पहले धैर्यवान नहीं था लास्ट पाटिल जी, पर विवाह के पश्चात वो बहुत धैर्यवान हो गए हैं और चूंकि सोपन जी धैर्यवान है इसलिए अभी तक विवाहित। तो सभी कार्यक्रमों में देवताओं का पूजन पहले किया जाता है और अतिथि देवो भव। तो सबसे पहले मैं हमारा सौभाग्य है कि भोपाल से पधारे में हैं ह्यूस्टन में हमारे मंगेश जी मुझमे, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं उनको यहाँ पहले बुलाऊं से पहले मैं भोपाल के बारे में एक बात जरा आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि भोपाल के लोग जो हैं वो यारों के यार होते हैं। एक बार ना एक आदमी था, उसने अपनी पत्नी को ऑफिस से उसकी बर्थडे पर फूल भेजने का प्लान बनाया, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज करूंगा। तो उन्होंने उसके दोस्त की फूलों की दुकान भी थी, तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि मैं ये जो है ना सील एनवलप दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तुम दो दर्जन फूल मेरी वाइफ को भेज देना ये एनवलप लगा के। दोस्त ने भेज दिया, दोस्त तो बहुत ही अच्छा दोस्त था उसका, लेकिन उसका खास दोस्त था, तो उसने जो है दो दर्जन की जगह चार दर्जन फूल दे दिए और भेज दिया घर में। पत्नी ने जब नोट खोला तो उसमें लिखा था कि प्रिय तुम्हारी उम्र के जितने फूल मैं भेज रहा हूँ। तो उसके बाद तो सिर्फ यही रहा कि उस दोस्त से तो पता नहीं उनकी दोस्ती रही या नहीं रही, लेकिन वो डिवोर्स लायर आजकल उनका बेस्ट फ्रेंड है। वैसे मंगेश जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भोपाल में वरिष्ठ अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, आजकल यहाँ ह्यूस्टन की यात्रा कर रहे हैं और भारत के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने राष्ट्र स्तर के करीब 50 काव्य संकलनों में अपनी रचनाएं प्रकाशित की। आकाशवाणी से नागपुर और भोपाल से भी काव्य पाठ किया है और कई सम्मेलनों में भी ये गए हैं। तो और इन्हें भारत की लगभग 35 सुप्रतिष्ठित हिंदी संस्थाओं के द्वारा इनका सम्मान किया गया। अगर मैंने लिस्ट पढ़ी तो शायद शाम यही हो जाएगी, तो मैं लिस्ट नहीं पढ़ूंगा। आप स्वागत करिए श्री मंगेश जी, आइए। बंधुओं और देवियों, आप सब लोगों को मेरा नमन। माँ सरस्वती की स्मरण करते हुए मैं आप सब लोगों के समागम का भी अभिनंदन करता हूँ और एक श्लोक के साथ मैं उसकी बात करता हूँ कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। मैं और हमारे संचालक महोदय से अनुरोध करूँगा इस चीज़ को आप समय मेरे को ना करें, क्योंकि मुझे समय की तलवार की धार पर चलने को बोला गया है, मैं पूरा प्रयास करूँगा। आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैं उसी माध्यम से चार पंक्तियाँ आप खुद के लिए बता दूँ ताकि मैं अपनी रचना जो श्रृंगार की है आपके सामने रख सकूँ। सुनिएगा कि जीवन टेस्ट मैच है कभी वनडे 2020 का, जीवन टेस्ट मैच है कभी वनडे 2020 का, और प्यार का स्कोर पार्टनर संग हो 50-50 का, कम से कम बता रहा हूँ कि प्यार का स्कोर पार्टनर संग हो 50-50 का। तो गर हो चांद या चांदी से बाल नहीं हम घबराएं, गर हो चांद या चांदी से बाल नहीं हम झुंझलाएं, कि हम खुद को समझें यंग मैन आप फीट 60 का, हम खुद को समझें यंग मैन आप फीट 60 का। तो लीजिए इस यंग मैन आप फीट 60 से एक रचना जो ब्रज भाषा के रूप में छंद के रूप में होली पर मैंने लिखी है, आप सब लोगों को पसंद आएगी। सुनेगा जी, सुनिए कि होली है आज तो सामने यार,
या करना आपनी चोलिया कि होली है आज तो सामने आ पिया करना आपनी चोलिया ओ प्यार के रंग में रंगे तनु मन को पास तो आ हम जोलिया कि प्यार के रंग में रंगे तनु मन को पास तो आ हम जोलिया तो प्यार मेरा है चोखा तुम करो उसकी हंसी नाचे ठोलिया कि प्यार मेरा है चोखा तुम करो उसकी हंसी नाचे ठोलिया और मैं तो वैसे भी तेरे लिए मुफ्त हूँ व्यर्थ मेरी लगाओ ना बोलिया कि मैं तो कोई मुफ्त में जो चीज ले क्या दी कोई खरीद नहीं सकता कि मैं तो वैसे भी तेरे लिए मुफ्त हूँ व्यर्थ मेरी लगाओ न बोलिया। और उपाध्याय सुनिएगा कि हर अंग में रंग लगा दे पिया हो मस्त मलंगा जो होली भी है कि हर अंग में रंग लगा दे पिया हो मस्त मलंगा जो होली भी है और प्यार की भंग पिला दे पिया कि होरी यारों में तेरी ये होरी भी है कि प्यार की भंग पिला दे पिया होरी यारों में तेरी ये होरी भी है और होली के दिन तो गले मिलने की रीतु भी है जोरा जोरी भी है होली के दिन तो गले मिलने की रीत भी है जोरा जोरी भी है और आज अंग से अंग लिपटने को तो राजी तेरी ये गोरी भी है आज अंग से अंग लिपटने को तो राजी तेरी ये गोरी भी है तो होली में भंग तरंग नहीं मन चाहे प्यार का रंग पिया कि होली में भंग तरंग नहीं मन चाहे प्यार का रंग पिया ओ मैं की नहीं संगत शराब कि मैं की नहीं संगत तन चाहे काम का कामदेव कि मैं की नहीं संगत तन चाहे काम का आज तो संग पिया तो रंग गुलाल अबीर से चाहे रंग दो तुम अंग अंग पिया कि रंग गुलाल अबीर से चाहे रंग दो तुम अंग अंग पिया कि फागुन में तो भुज पाश तेरा ही मांगे ये मन अनंग पिया काम देव अनंग माने काम देव कि फागुन में तो भुज पाश तेरा ही मांगे ये तन अनंग पिया और आखिरी है सुनेगा मैं समझता हूँ कल समय की तलवार की धार पे बराबर चल रहा हूँ सुनेगा आखिरी कंखी से खूब निहारा किए देखो प्यार से आज है होली पिया कि कनखी से खूब निहारा किए देखो प्यार से आज है भोरी पिया ओ सीधे अंग से अंग लगा ले मुझे अब करना आंख में चोरी पिया कि सीधे अंग से अंग लगा ले मुझे अब करना आंख में चोरी पिया तो हुई प्रेम की बातें इशारे बहुत मारा खन चोरी चोरी पिया कि हुई प्रेम की बातें इशारे बहुत मारा खन चोरी चोरी पिया सुनेगा अब प्यार की बातों का अनुवाद भी तन से तो कर बैरी पिया अब प्यार की बातों का अनुवाद भी तन से तो कर बैरी पिया।